ये है दिल्ली दर्पण। कल रिठाला विधानसभा में अमित शाह जी चुनावी सभा में केजरीवाल को चुनौती दी थी कि सर्जिल के विरोध में आपकी जुबान क्यों चुप है, खालिद जेएनयू को अभी तक उसकी फाइल कन्हैया की फाइल क्यों आप दबा के रखे हो। उन्होंने कहा ट्वीट करके केजरीवाल कल कि दिल्ली की पुलिस आपके हाथ में है, सर्जिल को आप गिरफ्तार करो। सर्जिल को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन फाइल कब तक कुंडली दबा के केजरीवाल रहोगे, कब तक आपकी जुबान शाहीनबाग और सर्जिल के पक्ष में खड़ा रहेगा। मैंने ये जिस दिन ये देश में वोट के सौदागरों ने आज मुसलमानों के अंदर भी भय पैदा कर दिया सीए के नाम पर, जबकि दुनिया जानता है कि सीए नागरिकता देने का है लेने का नहीं। आज ही मैंने अखबारों में देखा, आज ही मैंने अखबार में देखा कि भारती नाम की बेटी को पाकिस्तान में शादी के मंडप से उठा लिया और उसकी शादी जबरन करा दी, धर्म परिवर्तन करा दिया। उन्हीं को तो दे रहा हूँ, कोई मोहम्मदन कह दे, कोई हिंदू कह दे, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग कह दे कि भारती का बाप चिल्ला चिल्ला करके चिल्ला रहा है कि हम कहाँ जाएं, वो हिंदू भारत छोड़ के कहाँ जाएंगे, वो सिख हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ जाएंगे। यही तो मैं केजरीवाल को कह रहा हूँ, यही तो मैं राहुल गांधी जी को कह रहा हूँ, यही तो मैं टुकड़े टुकड़े गैंग को कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में भारतवंशी हैं वो हिंदुस्तान छोड़ करके कहाँ जाएंगे। जिस शाहीनबाग से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कहता हो उसी शाहीनबाग से जुड़ा हुआ कि मेरे कौम से जिसने भी टकराया है दुनिया में वो चूर चूर हो गया है, भारत में किसकी ताकत है। उसी शाहीनबाग में इमाम पैदा लिया जाए, इसको जाहिल इमाम कहें या जहिर इमाम कहें, पैदा लिया जो भारत को एक छोर पूर्वी छोर आसाम से काटने की बात कह रहा, जो भारत में तोड़ने की बात कह रहा हूँ। मुझे तो लग रहा कि शाहीनबाग जिन्ना की सोच का एक केंद्र बन गया।